Hey you guys, welcome back to my channel #NeetuShree. Hope you all are doing good. लखनऊ में तो काफ़ी हाल बुरा है कोरोना की वजह से. डेली काफ़ी पेशेंट्स निकल रहे हैं कोरोना के, पता नहीं क्या होने वाला है. एंड काफ़ी बैड न्यूज़ डेली मिलती हैं तो माइंड बहुत अपसेट हो जाता है, दिल भी बहुत दुखी हो जाता है. आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाती हूँ तो मुझे काफ़ी हैप्पी फील होता है. थोड़ी देर के लिए थोड़ी ये जो प्रॉब्लम्स हैं या इतनी सारी दुख है वो थोड़ी देर के लिए हट जाता है जब मैं वीडियोस करती हूँ. तो गाइस, आज का वीडियो है रिक्वेस्टेड वीडियो. ममता कश्यप, आई थिंक शी हैज़ आस्क मी टू डू मेकअप ऑन समर्स में डे मेकअप करने के लिए. शी आस्क मी कि अगर हम समर्स में कहीं जाना चाहते हैं, डे में जाना है, तो हमें कैसे मेकअप करना चाहिए, क्योंकि समर्स में क्या होता है, काफ़ी स्वेटिंग होती है, ऑयली पीपल को काफ़ी ऑयल आते हैं, तो मेकअप समटाइम्स ख़राब हो जाते हैं. तो आज के मेकअप में टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि आप कैसे अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग एंड वाटरप्रूफ बना सकते हैं. तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है तो कीप वॉचिंग. तो समर्स के मेकअप में सबसे पहले अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं या आपको बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं या स्वेटिंग होती है या आपको बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, तो आपको सबसे पहले अपने फेस पर लगाना चाहिए आइस क्यूब. तो आप आइस क्यूब लेकर और जहाँ जहाँ भी आपको ज़्यादा स्वेटिंग होती है, वैसे तो फुल फेस पर भी लगा सकते हैं. फर्स्टली ये आपको एक रिफ्रेशिंग फीलिंग देगी. सेकेंडली आपके पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन है तो इनको ये मिनिमाइज कर देगी. तो ये जेल कंसिस्टेंसी में होती है लोटस की सनस्क्रीन, तो ये काफ़ी अच्छी रहती है और काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है आपके स्किन में. नेक्स्ट स्टेप में जो करने जा रही हूँ वो आपको सिर्फ अपने टी जोन एरिया पे करना है या जहाँ पे आपको ज़्यादा स्वेटिंग आती है. तो मैं ले रही हूँ थोड़ा सा लूज पाउडर या कोई भी ट्रांसल्यूसेंट पाउडर ले सकते हैं. एंड बहुत लाइटली आपको डैम ब्यूटी ब्लेंडर पर उसको लेना है. एंड जहाँ पर भी आपको स्वेटिंग होती है, मुझे नोज़ पे थोड़ी होती है, बहुत लाइटली आपको इसको सेट करना है फेस पर. देन मुझे थोड़ी सी फोरहेड पे होती है, ऑल्सो दीज एरियाज, और बहुत लाइटली इसको आपको पुश कर देना है आपको अपने स्किन के अंदर. सॉरी गाइज, मैंने अपनी प्लेस को चेंज कर लिया है क्योंकि उस साइड बैठने पर मेरे फेस पे काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शंस आ रहे थे, तो मैंने अब थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज किया है. तो अब नेक्स्ट स्टेप जो कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट होता है इन समर्स, वो है प्राइमर. और हमें लेना चाहिए हमेशा मैटिफाइंग प्राइमर समर्स में. तो मैं लेने जा रही हूँ नाइका प्रेप मी अप फेस प्राइमर. ये सिलिकन बेस्ड होता है एंड मैं इसको अपने नोज पर एंड जहाँ पर भी मुझे पोर्स हैं वहीं पर इसको लगाऊंगी, क्योंकि पोर्स ही आपके स्वेट को रिलीज़ करते हैं, ऑयल को रिलीज़ करते हैं. तो ये थोड़ा सा ब्लर कर देगा आपके पोर्स को, थोड़ा सा रिड्यूस या मिनिमाइज कर देगा फाइन लाइंस को. तो अब आती है बारी फाउंडेशन की. तो समर्स में बहुत ज़्यादा फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं यूज़ करने चाहिए क्योंकि वो आपके मेकअप को केकी कर सकते हैं. अगर स्वेटिंग होगी या ऑयल रिलीज़ होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए आप बीबी क्रीम, सीसी क्रीम यूज़ कर लें. लेकिन आप फिर भी अगर थोड़ा सा ज़्यादा कवरेज चाहते हैं तो आप फाउंडेशन में थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र मिला के लगाएं, उनको टिंटेड कर लें. थोड़ा सा लाइट इफेक्ट चाहिए हमें इस टाइम फाउंडेशन का, बहुत ज़्यादा फुल कवरेज नहीं चाहिए. मैं लेने जा रही हूँ लॉरियल पेरिस का 24 आवर्स इनफेलेबल फाउंडेशन. मेरा शेड है 104 और मैं इसमें थोड़ी सी मिलाऊँगी मैक की मॉइस्चराइजिंग क्रीम. तो मैं कुछ ड्रॉप्स फाउंडेशन के लूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए फाउंडेशन, एक शेयर कवरेज ही चाहिए. अब मैं इनको अच्छे से मिक्स करूँगी. आप किसी भी फाउंडेशन को अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप उसमें
some drops of essential oils या moisturizer मिला लीजिए, तो वो आपका foundation light हो जाता है। Now with this damn beauty blender, I'll blend my foundation. अब आती है बारी कंसीलर्स की, तो कंसीलर के लिए भी मैं लेने जा रही हूँ लॉरियल पेरिस का इनफेलेबल फुल वेयर कंसीलर। मेरा शेड है इसमें 314 बेज, बट मेक श्योर ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है, तो आपको वन बाय वन लाइक जहाँ पर भी आप लगाएं पहले इसको ब्लेंड कर लें, उसके बाद आप आगे का काम करें। तो ये लॉन्ग वेयर है क्योंकि मैं समर मेकअप कर रही हूँ, तो मैं जो भी चीज़ें यूज़ करूँगी मैं वाटरप्रूफ एंड लॉन्ग वेयर चीज़ें ही यूज़ करने जा रही हूँ ताकि मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। अपने आईज के कॉर्नर्स पे एंड अ लिटिल बिट हियर एंड पहले मैं इनको ब्लेंड करूंगी। आई एम टेकिंग माई पैक 272 ब्रश, दिस इज अ वेरी गुड ब्रश फॉर कंसीलर्स। नाउ आई विल पुट अ लिटिल बिट ऑन माय फोरहेड एंड ब्लेंड करूंगी विद द हेल्प ऑफ माय स्पॉन्ज। तो अब मैं सेट करूंगी अपने फेस को विद द हेल्प ऑफ माय मेबलिन फिट मी कलूस पाउडर। ये बहुत अच्छा पाउडर होता है गाइस, एंड जो मेरा टी जोन एरिया है उस पर मैं ज्यादा सेट करूंगी लाइक अ सॉर्ट ऑफ बेकिंग यू कैन से, बट मैं वैसे बेकिंग नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे फाइन लाइन्स हैं, पर पुश करूँगी पाउडर को। नाउ आई एम टेकिंग माई बटर ब्रॉन्जर फ्रॉम फिजिशियंस फॉर्मूला एंड मैं इसकी हेल्प से थोड़ा सा अपने फेस को स्ट्रक्चर दूंगी। ब्लश के लिए मैं लेने जा रही हूँ मैक का ब्लश, मेरा शेड है हश्ड टोन। इसमें थोड़ी सी शीन भी होती है तो ये अ लिटिल हाईलाइट भी कर देता है आपके फेस को। हाइलाइटर के लिए मैं लेने जा रही हूँ मेरा फेवरेट मैक सॉफ्ट एंड जेंटल, काफ़ी अच्छा हाइलाइटर होता है, हर स्किन टोन पर चला जाता है एंड काफ़ी अच्छा ग्लो भी प्रोवाइड कर देता है। अब मैं फिल करूँगी अपनी आईब्रोज को, तो आईब्रोज के लिए भी हमें ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए जो कि वाटरप्रूफ हो। तो आज मैं यूज़ करने जा रही हूँ लॉरियल पेरिस का ये ब्रो पोमेड, मेरा शेड है इसमें 106 एबोनी। आई एम गोइंग टू यूज दिस निक्स टिंटेड ब्राउ मस्कारा। This is such a good product. So now we come to the eye section. उसके लिए मैं लेने जा रही हूँ ये Wet n Wild की आई शेडो पैलेट, स्टॉप प्लेइंग सेफ पैलेट का ये ब्राउन शेड ले रही हूँ। तो इसको मैं अपनी क्रीज लाइन में डालते हुए ट्रांजिशन एरिया पर ले जाऊँगी।
Now I'm taking the same shade in my lower lash line also. Now I'm taking this pinky shade from the palette with my finger and I'll place it all over my lid. Now I'll pick this golden shade and I'll place it in the center of my eyelid. Now I'll diffuse the corners. थोड़ा सा अपने ब्राउ बोन्स में भी लगाऊंगी. अब अगर आप चाहें तो आप अपने आईज पर थोड़ा सा ग्लिटर भी लगा सकते हैं, आपकी आईज और भी ब्यूटीफुल लगेगी. सो मैंने यहाँ पे PAC का प्रेस ग्लिटर यूज किया है. इस ग्लिटर को लगाने के लिए कोई भी ग्लू की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं. एंड अगर आप देखना चाहते हैं कि ग्लिटर्स को कैसे लगाते हैं तो आप प्लीज़ मेरा वो वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें मैंने ग्लिटर्स के बारे में बताया है. अब मैं लेने जा रही हूँ नायका जेल इंक्ड आईलाइनर और इसकी हेल्प से मैं आईलाइनर क्रिएट करूँगी. Now I'm taking this Maybelline Lash Sensational Mascara और मैं इससे एक सिंगल कोट दूंगी अपने अपर एंड लोअर लैशेस को और फिर मैं लगाऊंगी फॉल्सीज. दिस इज़ द वाटरप्रूफ वर्जन, क्योंकि समर्स हैं तो वाटरप्रूफ वर्जन ही सही रहता है. तो मैं अपनी आईज़ को कंप्लीट करने के लिए लगाने जा रही हूँ फॉल्सीज. तो मैं बैक स्क्रीन लगाकर आती हूँ जल्दी से आपके सामने. आई एम बैक विद माई लैशेज डन. और आज पता नहीं क्यों मेरी आईज़ इतनी ज़्यादा वॉटरी हो रही हैं, आई डोंट नो व्हाई. मे बी सम ग्लिटर्स या ग्लू मेरी आईज़ में चले गए हैं शायद. नाउ कम्स द लिप सेक्शन. तो मैं यूज़ करने जा रही हूँ फेसेस कैनरा अल्टाइम प्रो का ये लिप क्रेयॉन और इसमें मेरा शेड है लेट्स कॉफ़ी. तो मैं ब्राउन शेड आज यूज़ करने जा रही हूँ. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं सेट करूँगी अपने मेकअप को विद दिस NYX मैट फिनिश सेटिंग स्प्रे. ये वैसे तो मैं ड्यूई सेटिंग स्प्रे प्रेफर करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है, बट क्योंकि मैं आज समर्स के लिए मेकअप आपको दिखा रही हूँ तो इसलिए मैंने हर चीज़ आज वाटरप्रूफ एंड मैट ऐसी चीज़ें यूज़ की हैं जो कि मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना सकें. सो लेट्स स्प्रेड ऑल ओवर माई फेस विद दिस सेटिंग स्प्रे. और इसको मैं थोड़ा टाइम दूंगी, ये खुद ही ड्राई हो जाएगा. सो फार सो गुड. लास्ट में मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली पीपल हैं, आई मीन टू से अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑयल आता है या बहुत ज़्यादा स्वेट आ रहा है तो मेकअप करने के बाद आप ब्लॉटिंग पेपर से अपने फेस को डैप कर दीजिए तो जितना एक्सेस ऑयल या स्वेट होगा वो निकल जाएगा. बट इफ सपोज़ आपके पास ब्लॉटिंग पेपर नहीं है, जैसे अभी मेरे पास भी नहीं है, तो मैं एक सिंपल टिश्यू पेपर लूँगी और इसकी हेल्प से अपने फेस को डैप कर लूँगी तो जो भी एक्सेस प्रोडक्ट होगा या अगर कुछ आई मीन टू से ऑयल होगा तो वो सारा इसमें आ जाएगा एंड आपका मेकअप और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा. वैसे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, आप देख सकते हैं मेरा टिश्यू एकदम क्लीन है,
यानी कि मेरा मेकअप एकदम वाटरप्रूफ हो चुका है और ये ख़राब नहीं होगा, बट स्टिल अगर आपको आ भी जाता है स्वेटिंग थोड़ी देर के बाद, एक घंटे के बाद, दो घंटे के बाद, तो आप इस तरीके का टिश्यू पेपर अपने साथ रखिए एंड बस आप जब भी आपको स्वेटिंग हो आप थोड़ा सा डैप कर दीजिए उस पोजिशन पर एंड स्वेट को ये टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका मेकअप बिल्कुल भी रिमूव नहीं होगा। लेकिन अगर आपने अपने हैंड को यूज़ किया या हैंकरचिप को यूज़ किया तो मे भी आपका मेकअप ख़राब हो सकता है। सो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ हैक, आप चाहें तो राइट डाउन कर सकते हैं दो चार चीज़ें जो मैंने इसमें बताई हैं। पहली तो आइस क्यूब, सेकेंड आपका सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग इन समर्स, थर्ड आपका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा केकी नहीं होना चाहिए एंड आपको मैट चीज़ें ही यूज़ करनी चाहिए, वाटरप्रूफ मेकअप ही यूज़ करना चाहिए, देन आपको सेटिंग स्प्रे भी मैट यूज़ करना चाहिए एंड लास्टली आपको एक टिश्यू पेपर की हेल्प से अपने फेस को डैबिंग पोजिशन में इस तरीके से जितना भी आपका एक्सेस ऑयल या अगर आपको स्वेट है तो आपको एब्जॉर्ब करा लेना चाहिए, इससे आपका मेकअप खराब नहीं होगा, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगा। सो अभी टाइम हो रहा है 4:28 और मैं आपसे मिलूँगी एट 8 PM और मैं चेक करूँगी तब तक कि मेकअप मेरा लास्ट करता है या नहीं। सो आई विल मीट यू एट 8 PM। तो 8 बज चुके हैं अब और अब टाइम है मुझे अपना मेकअप चेक करने के लिए। तो गाइस चलिए अब चेक करते हैं कि मेरी मेकअप की क्या पोजीशन है एट 8 PM और सलोन भी मेरा क्लोज होने का टाइम हो चुका है, मैं अपना मास्क उतारने अब जा रही हूँ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, आप देख सकते हैं मेरा मेकअप बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, मुझे थोड़ी सी मास्क की वजह से स्वेटिंग हो रही है। Nothing is coming out. That means कि मेरा मेकअप वाटरप्रूफ है एंड आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। लिपस्टिक थोड़ी सी लाइट हो गई है, मैंने चाय ली थी थोड़ी देर पहले तो थोड़ी सी यहाँ से मूव हो गई है एंड मैंने आज लिक्विड लिपस्टिक मैट लिपस्टिक भी नहीं लगाई थी, ये ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है। अगर मैंने मैट लिपस्टिक लगाई होती, आई मीन टू से ट्रांसफ़र प्रूफ लगाई होती तो वो भी नहीं हटती, तो उसके लिए मेबलिन की मैटिंग मैं प्रिफर करूँगी आपको। आज मेरे पास जब मैंने मेकअप किया तो वो शेड अवेलेबल नहीं था मेरे मैचिंग मेरे मेकअप से, इसलिए मैंने नहीं लगाया था। तो आप अगर वाटरप्रूफ मेकअप चाहते हैं, समर्स में आप डे में किसी पार्टी में जा रहे हैं या नाइट में भी जा रहे हैं, तो आप मेबलिन मैटिंग की लिपस्टिक्स ले लीजिए, वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं एंड ट्रांसफ़र प्रूफ भी होती हैं, तो आप उनको यूज़ करेंगे तो आपकी लिपस्टिक भी नहीं ख़राब होगी। तो मेरी लिपस्टिक थोड़ी सी हुई है, बाकी मेरा मेकअप एज इट इज़ है, एज यू कैन सी कि बिल्कुल भी कहीं से कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है और मैं काफ़ी हैप्पी हूँ आज अपने मेकअप से। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको हेल्प मिली होगी मेरे इस वीडियो से कि अगर आप डे में कहीं जाना चाहते हैं समर्स में तो आप कैसे मेकअप करें। तो ये था मेरा समर ग्लैम मेकअप ट्यूटोरियल, होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा एंड दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, चलती हूँ मैं अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो कम्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।